सो हे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने ये एंशियंट सिटी ढूंढ निकाली थी जो कि हमें एक बहुत ही बड़ी केव के अंदर मिली थी। तो अब देखो, अब प्लान पता है क्या है कि आज के एपिसोड में हम इसी एंशियंट सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो क्योंकि ना हमें इसमें से बहुत अच्छी अच्छी एंचेंटमेंट्स मिल सकती हैं, और एक एंचेंटमेंट जो कि सिर्फ एंशियंट सिटी में मिलती है वो है स्विफ्ट स्नीक, जिसका मतलब है कि उसे हम अपने ये पैंट्स पे लगा सकते हैं और उससे हम थोड़ा सा तेज जब क्राउच करते हैं ना तो हमारा जो करैक्टर है बेसिकली थोड़ा सा तेज चलता है। और उससे भी अच्छी चीज़ पता है क्या है कि हमें इस जो एंशियंट सिटी है ना इसमें हमें मिल सकते हैं एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, जो कि मेरे पास एक भी नहीं है, जो कि एक बहुत ही बेइज्जती की बात है। और हमें और भी बहुत सारी एंचेंटमेंट्स और रैंडम चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसे एक्सप्लोर करने कैसे वाला हूँ। तो पूरा एंशियंट सिटी ना ऐसे एक ये वाले ब्लॉक से और ये वाले सेंसर से भरा हुआ है। तो ये चलते पता है कैसे है, जब भी मैं कोई आवाज़ करूँगा ना तो ये वाले जो सेंसर हैं ये इस आवाज़ को पकड़ के इसको भेज देंगे, और फिर ये ना एक गंदी सी चीख मारेगा और एक वार्डन स्पॉन हो जाएगा धरती के अंदर से। वो पता नहीं कहाँ बैठा हुआ, मेरे को नहीं पता भाई साहब। और देखो, हमें ना करना पता है क्या है इसे एक्सप्लोर करने के लिए, सबसे पहले हमें इसे ना ऐसे कवर कर देना है वूल के साथ, क्योंकि जो वूल है ना वो बेसिकली एक तरह से ना साउंड को इसके तरफ पहुंचने नहीं देती, जिससे कि वो स्पॉन नहीं हो सकता। तो हम यही करने वाले हैं। देखो, अब मैंने इन्हें कवर कर दिया और अब मैं ये जो इस साइड है इसे भी कवर कर देता हूँ। देखा, ऐसे आवाज़ करते हैं ये गंदी सी, उसके बाद फिर वो स्पॉन हो जाता है और हमारी ऐसी की तैसी कर सकता है। और इसीलिए इसे भी कवर कर दो जल्दी से। अरे भगवान, क्या हो रहा है। तो अब देखो, मैंने इसे कवर कर दिया। अबे कहाँ से, अरे वो स्पॉन हो गया, भागो भागो भागो। ओ भगवान, वैसे तो मैं इसे डरता नहीं हूँ लेकिन डर भी लगता है। भागो, यहाँ तक पहुँच जाओ, पहुँच जाओ। अरे मैं तो अंधा ही हो गया भाई, मेरे को कोई चश्मे दे दो प्लीज, चश्मे चश्मे। अरे पहुँच गया मैं अपने सेफ जोन के अंदर। तो ये बेसिकली मेरा सेफ जोन है, वो वहाँ कहीं स्पॉन हुआ है आई थिंक, है क्या उधर। 5 minutes later, ये कहाँ से स्पॉन हुआ मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अरे फिर से स्पॉन हो गया, भागो। इस बार पक्का स्पॉन हुआ है वो, मेरे को उसकी ढक 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 की आवाज आ रही है। निकला क्या वो। अबे मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, थोड़ा सा ब्लाइंडनेस कम करो प्लीज। यार वो स्पॉन कहाँ हो रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा, दिख ही नहीं रहा मेरे को, ऐसे कैसे चलेगा काम। वैसे ना ये वाले जो सेंसर है यहाँ पे तोड़ देते हैं जल्दी से। अरे कितना टाइम लग रहा है। अबे है क्या, अबे फिर से हो गया मेरे। अबे तीन तीन वार्डन स्पॉन कर दिए मैंने गलती से। तो फाइनली हम अपने पहले चेस्ट तक आ चुके हैं, पहले हमें ना ये तोड़ने पड़ेंगे सारे के सारे। चलो एक काम करते हैं, इन्हें कवर कर देते हैं यार, बाद में तोड़ते रहेंगे। तो अब देखते हैं इस चेस्ट में हमें क्या मिलता है। बॉटल ऑफ एंचेंटिंग, बहुत सारी बॉन्स जो कि हम उठा लेते हैं। एक लीश, चलो कोई नहीं कोई नहीं, कोयला ले लेते हैं टॉर्चेस बनाने के बाद में। ओके, मैं तो खुले में भाग रहा हूँ भाई, कहीं वो स्पॉन स्पून होके ना मेरा ये पिछवाड़ा तोड़ दे बाद में पता चले। तो यहाँ पे मेरे को मिली है बहुत सारी वूल, जिसको मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि यार मैं देखो ना बहुत सारी वूल लेके आया था और मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसे ओरिजिनल शेप में रखूं। साइक, यहाँ पर ना देख रहे हो, एक दो और तीन है ये। तो मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि ना इंपॉर्टेंट एरियाज को ये गार्ड करके रखते हैं। तो पहले इन्हें ना थोड़ा सा ऐसे कवर कर देते हैं। भी ये तो हो गया, अब उन दोनों की बारी है, जल्दी जल्दी से कवर कर देते हैं। मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ना स्विफ्ट स्नीक नहीं है, तो मैं इसीलिए पहले सोच रहा हूँ कि वो अगर मिल जाए ना मैं वहीं पे एंचेंट कर दूंगा अपने इसको पेंट को। कहाँ है मेरी बुल, दो हो गए, अब वो तीसरा ऊपर रह गया। चलो कोई नहीं, उस तक पहुँचते हैं पहले जल्दी से। अगर मैंने शिफ्ट छोड़ी ना मैं मरूंगा, मैं बता रहा हूँ। फाइनली कवर हो गया ये सब के सब, अब हम इन्हें तोड़ सकते हैं ना, कोई और तो नहीं है, पहले आसपास देख लो। तोड़ दो फाइनली, यहाँ से नीचे चलो और इसे भी तोड़ डालो। ओह शिट, स्पॉन हो गया। ओ भागो प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी 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 सॉरी, स्पॉन हो गया, लिटरली वो स्पॉन हो गया। अरे भागो भाई, ये फेलेगा हमें। भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो, मैं इतनी दूर भाग के आ गया।
हाँ सेफ जोन में पहुंच गया मैं फिर से। कहाँ स्पॉन हुआ मेरे को दिखेगा। अब चलते हैं ये वार्डन भाई को देखने। हम थोड़ा सा दूर से ही देखेंगे क्योंकि मरना मेरे को पसंद नहीं। वो देख रहे हो वहां पे, उसका दिल धक 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 कर रहा है। मैं इसके कितना पास जा सकता हूँ देखे जाके जरा। उसको पता चल रहा है कि मैं इधर हूँ। वो देख रहे हो धक धक धक, वो देख रहे हो कितना बड़ा मुंह है इसका हराम खोर का। ओए तेरे दांत का है भाई। अरे सूंघ रहा है कुत्ता है तू हराम खोर। अरे सूंघ रहा है हराम खोर कुत्तों की तरह। भैंस की आंख है। मेरा कुत्ता भी ऐसे करता है जब मैं उसे घुमा ले। अरे देख लिया उसने। अरे भागो प्लीज सॉरी। वैसे इसकी आंखें तो है नहीं भाई, कुत्तों की तरह सूंघ रहा है मेरे को। मेरे को लगता है ना ये मेरे को सूंघ के बता सकता है कि मैं कहाँ पे हूँ। अरे मैंने आवाज कर दी, मेरे पीछे आ जाएगा प्लीज। मैं यहाँ पे फिर से आ गया अपने सेफ एरिया में। हाँ मैं यहाँ पे सेफ हूँ भाई, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता मुझे। अरे वहां पर भी है, इसे तोड़ना पड़ेगा। और वहां पे चेस्ट भी है। वाह भाई मेरे को चेस्ट तो चाहिए। चलो चलते हैं उसी साइड पहले, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे भी हो सकते है। वहां पे है ये, मेरे को तो कई कई बार दिखाई भी नहीं देते भाई। मैं ऐसे कूदता फांदता रहता हूँ और बाद में पास जाके पता चलता है अरे यहाँ पे तो ये था। देख रहा हूँ मैं कितने ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से खेल रहा हूँ। इसको भी कवर करना पड़ेगा साथ ही में। ओ शिट आवाज नहीं हुई। थैंक यू, कोई आवाज नहीं हुई। अगर यहाँ पे आवाज हो जाती तो यही मेरा पकोड़ा बन जाता भाई। चलो हो गया काम अपना, इन्हें कवर कर देते हैं साथ में। यहाँ पे आवाज तो हुई लेकिन स्पॉन नहीं हुआ। आई थिंक ये अच्छी चीज है। प्लीज तो दो सब पसंद। अरे स्पॉन हो गया भाई साहब। मैं गया, पकड़ा गया मैं। भागो। तो चलो जब तक वो वहां पे चिल मार रहा है हम इस साइड थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग कर लेते हैं। अरे यहाँ पे है वो एक बड़ा सा सेंसर। अरे स्पॉन हो गया गलती से, मैंने टॉर्च नहीं लगानी थी यार। अरे मैंने गलती से वो क्लिक कर दिया यार वहां पे। मैं कोई नहीं, वैसे इतना सेफ एरिया में कोई दिक्कत की बात है नहीं अपने को ज्यादा। और कुछ नहीं है यार डरावना इसमें। ये जो ब्लाइंडिंग का इफेक्ट दे देता है ना थोड़े टाइम के लिए, ये थोड़ा सा कर देता है काम खराब। बाकी तो कुछ नहीं है, है तो ये बच्चा ही हमारे लिए। गजब बेइज्जती है। देखो ऐसा है, अगर वार्डन स्पॉन हुआ तो मैं यहाँ से यहाँ पे चढ़ूंगा और यहाँ से उतर के उधर भाग जाऊंगा। ठीक है, ये है मेरा एस्केप प्लान। अरे स्पॉन हो गया, लिटरली स्पॉन हो गया। भागो। मैं क्या करता रहता हूँ ये। दूसरी साइड चलो यार, दूसरी साइड चलो। यहाँ पर तो यहाँ पे तो काम खराब ही है। ये जो आवाज करता है ना, ऐसी आवाज ना मेरा कुत्ता करता है जब इसे दूसरी जो डॉग्स हैं उनकी पॉटी दिख जाती है। ये भी पता नहीं क्या भाई, उनको सूंघता रहता जाके। स्विफ्ट स्नीक वन पर यार, वन का मैं क्या करूंगा यार, कम से कम टू तो देते यार। और ये हो में क्या है। एफिशिएंसी 4 अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग। भाई साहब मेरे पास वैसे एक वो है सेम सेम, एफिशिएंसी 5 है इस पे। तो ये तो यार किसी काम का काम नहीं हुआ। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं जल्दी से। वहाँ पे भी है, ये क्या टावर सा बना रखा है। चलो इन्वेस्टिगेट के इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं। वाह तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी तक मैंने आधे से ज़्यादा एंशियंट सिटी को एक्सप्लोर कर लिया है और मेरे को यही मिला है अभी तक। तो ये स्विफ्ट स्नीक 1 मिली है लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं, तो हमें चाहिए स्विफ्ट स्नेक 3। तो चलो यार और 1 घंटा ये करते हैं काम। तो आई थिंक अब यहाँ पे कोई श्रीकर नहीं बचे। अरे श्रीकर कह रहा हूँ, सेंसर नहीं बचे। इसे खोल लेते हैं। फायर एस्पेक्ट 1। यार क्या मिल रहा है, ये कचरा। सैडल मिल गया, अच्छी चीज़ है, लेकिन यार ये तो नहीं चाहिए मेरे को कचरा। ये क्या अजीब सा वाटरफॉल बना रखा है भाई यहाँ पे, इसका मैं क्या करूँ बताओ। चलो मैं एंशियंट सिटी। अरे क्रीपर यार क्रीप। और डायमंड मिल गए भाई, मैं तो ऐसे ही घूम रहा था यहाँ पे और मेरे को ये मिल गए। नाइस। अरे मेरी शील्ड नहीं है मेरे पास, ये पहन लो। अरे क्रीपर नहीं फटना, नहीं फटना, नहीं। थैंक यू। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी प्लीज मेरे को डायमंड लेने दो यार, मेरे डायमंड मिल गए मेरे को। मेरे पास सिल्क टच है ना। अरे और है वहां पे। अरे वाह क्या बात है, आज तो किस्मत बड़ी अच्छी है यार। अरे तू नहीं, ओ भाई उड़ा दिया भैंस की आंख। मैं तो डर ही गया, मैंने कहा ले भाई गएगा मेरा डायमंड। अरे मेरा डायमंड टूट गया होगा। नहीं है भाई, है तो सही।
अरे दो दो चेस्ट है ना इसे के यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं, नहीं है आसपास। यहाँ पे क्या है, सीढ़ियाँ हैं और कोई तो नहीं है जो। ओके लग तो ऐसे ही रहा है, चेक कर लो पहले आसपास, नहीं है। और स्केलेटन हेड मिल गया मेरे को, नाइस। तो पहले हम ये खोलते हैं इसे, स्विफ्ट स्नीक वन। अरे हद हो गई यार, ये थोड़ी ना चाहिए यार। ये हो कितनी सारी मिल रही हैं, ये भी मिल गई है एक, इसको छोड़ो फिर। स्विफ्ट स्नीक टू तो बन जाएगी वैसे देखा जाए तो, लेकिन ना क्या फायदा। ये वून छोड़ देते हैं, ये उठा ही लेते हैं भाई। तो इसमें क्या है, पर स्विफ्ट स्नीक टू फाइनली कुछ तो मिला मेरे को। मैं ना ये सारी रख के आऊंगा अब जल्दी से। एक काम करते हैं, ये स्कल्क सेंसर नहीं चाहिए हमें, और क्या रखूँ क्या छोड़ूँ, ये दो टॉर्चेस छोड़ो। स्विफ्ट स्नीक टू उठा लो, फायर एस्पेक्ट वन नहीं चाहिए यार, बेकार है। डायमंड्स, मेरे को लिटरली चलते चलते डायमंड मिल गया भाई। और क्या चाहिए इसमें, डायमंड भी मिल रहे हैं, सामान भी मिल रहा है, अब ये तो कुछ ज्यादा ही है। चलो कोई नहीं, इसको तोड़ते हैं, देखते हैं कितने हैं। और भाई साहब कितने बड़े हैं ये बेंस। ओके नाइस, डायमंड्स मिल गए, नाइस। और क्या चाहिए भाई साहब। तो फिर से वार्डन के पास जाने से पहले ना मैं एक चीज टेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ना स्विफ्ट स्नीक वन है, एक और है, दो बुक है, इसे मैं ना एक बार कंबाइन करता हूँ। तो स्विफ्ट स्नीक टू बन गई, तो मेरे इस पेंट पे भी स्विफ्ट स्नीक टू है, तो अगर मैं इसे कंबाइन करूँ तो स्विफ्ट स्नीक थ्री बनेगी। अरे बन रही है, नाइस यार, अभी मज़ा आएगा। सही है, स्विफ्ट स्नीक थ्री हो गई, अब देखते हैं कितनी स्पीड है इसकी। ओए भाई साहब ये तो बहुत सही है, ये अब सही है। चलो चलते हैं फिर से एक्सप्लोर करने। वार्डन अब मैं आ रहा हूँ, अब तो वार्डन मेरे बाएँ हाथ का खेल है। बाएँ हाथ का अब क्या भाई, बाएँ पैर से हरा दूंगा, बाएँ पैर से। जस्ट इसमें क्या है, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल फाइनली भाई, कुछ तो अच्छा मिला मुझे। ये क्या है, स्विफ्ट स्नीक वन। अरे यार कुछ और दे दो ना। ये क्या है, कर्स ऑफ बाइंडिंग, यार ये नहीं चाहिए था मेरे को। चलो कोई मिल गया तो क्या कर सकते हैं। 5 minutes later, भागो भागो भागो, बहुत बहुत पास है, बहुत पास, बहुत पास, बहुत पास, भागो भागो भागो, लिटरली बहुत पास है भाई, वो मेरे बिल्कुल पीछे है। निकल लो निकल लो निकल लो, सेफ एरिया में आ गया मैं, नाइस भाई। मेरे को लगा ही था वो स्पॉन कर देंगे उसे, उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं भाग गया भाई बहुत सही जगह पे, मेरे को पता था कि साइड भागना है। सो फाइनली मैंने इतना एरिया पूरा ना साफ कर दिया, इसमें कोई सेंसर और वो स्पॉन करने वाले नहीं है। इसमें बहुत टाइम लग गया मेरे ख्याल से, आधा घंटा लग गया इस पूरे एरिया में। तो अब देखते हैं इसमें हमें लूट क्या क्या मिलती है। यहाँ पे तीन या चार चेस्ट आई थिंक, सबसे पहले चेस्ट में कचरा ही है। इधर दूसरा चेस्ट है एक और, उसमें देखते हैं क्या है अपने पास। पिलिंग टू चैनलिंग स्विफ्ट स्नीक, इसमें ठीक ठाक है सामान। और ये क्या है, ये भी सही है यार, प्रोटेक्शन फोर अनर मेंडिंग। और भाई साहब ये तो सही है, कुछ छोड़ो क्या छोड़े, ये छोड़ दो, ले लो उठा के। चलो भाई साहब आगे चेस्ट किधर है, इधर एक और चेस्ट है आई थिंक, मैंने देखा था भाई। ऐसे मत करो यार, चेस्ट था इधर, हेलो दो ही थे। अरे फायर प्रोटेक्शन फोर मेंडिंग, भाई साहब ये चेस्ट भी बहुत सही है। क्या छोड़े क्या छोड़े, ये छोड़ो, ये लो नेम टैग चाहिए मेरे को, नेम टैग ये छोड़ दो, ये ले लो। ओके नाइस।